नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिना किसी इंडिकेटर्स की हेल्प से ओनली प्राइस मूवमेंट देखकर ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, जो कि सबसे पावरफुल, सबसे लो रिस्क और सबसे भरोसेमंद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यह स्ट्रेटजी एक प्रकार का लीडिंग इंडिकेटर है, जो पहले ही आपको शेयर प्राइस की मूवमेंट बता देता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं और इससे हम ट्रेडिंग करके कौन से पॉइंट पर बाय और सेल के ट्रेड ले सकते हैं, यह सब कुछ लाइव डेमो के साथ प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ कुछ प्रो टिप्स और सीक्रेट्स भी बताऊंगा, जिससे आप ट्रेडिंग में मास्टर बन जाएंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बन सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको प्राइस एक्शन के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फोकस करके जरूर देखना, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज विरेन जैन, लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या होता है यह समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन एक प्रकार की टेक्निक है, जिससे आप ओनली चार्ट पैटर्न या फिर प्राइस मूवमेंट को देखकर ही मार्केट को या किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प लेकर आप ओनली प्राइस को देखकर ही ट्रेंड्स, रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स का पता लगा सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि प्राइस के बेस पर हम जो एक्शन डिसाइड करते हैं, उसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम मार्केट की मूवमेंट्स, जैसे कि कैंडल्स, वॉल्यूम्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और चार्ट पैटर्न्स को पढ़कर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब आप कहोगे कि ओनली प्राइस मूवमेंट को देखकर कैसे मालूम चलेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शेयर मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये कैंडल्स और शेयर प्राइस हमें चीख चीख कर बताते हैं कि यह बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है, लेकिन हम इसे सुन नहीं सकते, इसलिए हमें इसे समझना होगा, जो कि बहुत आसान है। मतलब प्राइस एक्शन को कंप्लीट समझने के लिए हमें मेनली चार चीजें अच्छी तरह से समझनी होगी, सीखनी होगी, तभी हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर बन पाएंगे और तभी हम मार्केट या कोई भी शेयर की मूवमेंट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। वो चार चीजें हैं, नंबर वन ट्रेंड लाइन, नंबर सेकंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, नंबर थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, नंबर फोर चार्ट पैटर्न्स। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे समझ लो ये दोनों प्राइस एक्शन का हार्ट है, इनके बिना प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए इनको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो इन चारों को एक एक करके लाइव चार्ट पर डेमो के साथ बिल्कुल इजी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को समझ लेते हैं, यहीं से प्राइस एक्शन की शुरुआत होती है। दोस्तों, कभी भी शेयर स्ट्रेट लाइन में या बिल्कुल फ्लैट नहीं चलता है, वह हमेशा ऊपर नीचे चलते हुए आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर शेयर ऊपर नीचे करते हुए एक चाल बना रहा है, यह चाल एक ट्रेंड के रूप में होती है। प्राइस एक्शन को समझने से पहले आपको ट्रेंड को अच्छी तरह से समझना होगा, जो कि हम ट्रेंड लाइन से इजीली समझ सकते हैं। जब शेयर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, जब शेयर नीचे की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना। और जब शेयर एक ही एरिया में ऊपर नीचे चलता रहता है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे साथ यूं ही चलते रहना, क्योंकि आगे मैं कुछ प्रो टिप्स और सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, जो आपको ट्रेडिंग में मास्टर बना देगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को मिनिमम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में चारों तरफ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ सके और शानदार प्रॉफिट्स कमा सके। याद रखना दोस्तों, जब शेयर ऊपर जाता है यानी कि अप ट्रेंड में होता है, तो वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, वह हमेशा गिर गिर के चढ़ता है, गिर गिर के ऊपर चढ़ता है। इसी प्रकार जब शेयर नीचे जाता है यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है, तो वह सीधा नीचे नहीं जाता है, वह हमेशा चढ़ चढ़ के गिरता है, चढ़ चढ़ के नीचे गिरता है। और स्टॉक मार्केट के प्रत्येक शेयर को इन तीनों पीरियड में से, इन तीनों ट्रेंड में से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब ये तीनों पीरियड प्रत्येक स्टॉक्स में 100% आते हैं, तभी तो पैसेंस स्टॉक मार्केट का की फैक्टर है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है।
एसएस बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर पहचानेंगे कैसे कि स्टॉक अभी कौन से पीरियड में कौन से ट्रेंड में चल रहा है, तो चलो इन तीनों पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड पीरियड को समझ लेते हैं। जब मार्केट में या कोई भी शेयर में तेजी आती है तो फिर शेयर अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस या फिर जितने भी रेजिस्टेंस बनाता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे रेजिस्टेंस पिछले वाले रेजिस्टेंस से ऊपर बनते हैं, जिसको हम मार्केट लैंग्वेज में हायर हाई रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। उसी प्रकार शेयर नीचे सपोर्ट के लेवल बनाता है जो कि पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर बनते हैं, जिसको हम हायर लो सपोर्ट लेवल बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, इन ऊपर वाले पॉइंट्स को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां पर शेयर में नॉर्मली सेलिंग प्रेशर आता है और शेयर में गिरावट आ जाती है, और इन नीचे वाले पॉइंट्स को हम सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पर शेयर में नॉर्मली बाइंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण शेयर में तेजी आ जाती है। लेकिन कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर ओपोजिट सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, तब शेयर उस पॉइंट से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में हमारी टीम की मेहनत नजर आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन डबल हो जाता है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। चलो अब ट्रेंड को हम किसी स्टॉक के लाइव चार्ट पर डेमो के रूप में समझ लेते हैं। यह दीपक नाइट्रेट का चार्ट है। यहाँ से शेयर नीचे गिरा और अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनाया जो कि पहले वाले सपोर्ट से ऊपर बना, जिसको हम हायर लो बोलते हैं। जब मिनिमम दो सपोर्ट के लेवल बन जाए तब हम चार्ट पर ट्रेंड लाइन की हेल्प से आगे के सपोर्ट के लेवल को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके टूल बॉक्स को ओपन करना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक करके इजीली अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट से मिलाकर ड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आपको वन डे या वन वीक का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, क्योंकि इन पीरियड में यह स्ट्रेटजी ज्यादा करेक्ट रिजल्ट निकाल कर देती है, जिससे हमारा प्रेडिक्शन मैक्सिमम सही साबित होता है। यदि आपको कैंडलस्टिक चार्ट पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले यहाँ से लाइन चार्ट ओपन करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके वापस यहीं से कैंडलस्टिक चार्ट को सेट कर देंगे। यह सब कुछ आप अपनी ब्रोकिंग ऐप पर इजीली कर सकते हैं। इन सपोर्ट लेवल पर आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। उसी प्रकार मिनिमम दो रेजिस्टेंस लेवल को मिलाकर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आगे के रेजिस्टेंस लेवल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके शेयर को वापस सेल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से चार्ट पर क्लियर नजर आ रहा है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ये ऊपर वाले हायर हाई रेजिस्टेंस लेवल के पॉइंट है जहाँ पर नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, और ये नीचे वाले हायर लो सपोर्ट लेवल के पॉइंट है जहाँ पर नॉर्मली बाइंग स्टार्ट होती है। यह स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो यह स्टॉक अपने इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर सकता है, जहाँ पर आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। दोस्तों, आपको हमेशा ट्रेंड को फाइंड करके उसके साथ ही चलना है। ट्रेंड के अपोजिट कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यह बात याद रखना। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। अब हम डाउन ट्रेंड पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करना है यह समझ लेते हैं। जब मार्केट में या कोई भी शेयर में गिरावट होती है तो फिर शेयर अपना फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट या जितने भी सपोर्ट बनाता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे सपोर्ट के लेवल पिछले वाले सपोर्ट के लेवल से नीचे बनते हैं, जिसको हम मार्केट लैंग्वेज में लोअर लो सपोर्ट लेवल बोलते हैं। उसी प्रकार शेयर ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाता है जो कि पिछले वाले रेजिस्टेंस से नीचे बनते हैं, जिसको हम लोअर हाई रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। चलो इसको किसी स्टॉक के चार्ट पर डेमो के रूप में समझ लेते हैं। यह HDFC बैंक का चार्ट है। जब शेयर में गिरावट आई तब नीचे लोअर लो सपोर्ट लेवल और ऊपर लोअर हाई रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए शेयर नीचे गिरने लगा। जब मिनिमम दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बन जाए तब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल फाइंड कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ही हमें मालूम चल जाएगा कि स्टॉक अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है। यह स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब ब्रेकआउट होगा तब शेयर में तेजी आ सकती है। जैसे यहाँ पर शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है, फिर शेयर ऊपर भाग गया है। अब हम साइडवे ट्रेंड पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करना है यह समझ लेते हैं। इस पीरियड में शेयर काफी समय तक एक ही बॉक्स में ऊपर नीचे चलता रहता है। इसमें शेयर अप्रोक्सीमेट एक ही पॉइंट पर ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ अपना सपोर्ट बार बार बनाता है। बिल्कुल रेंज बाउंड एक रेक्टेंगल में ऊपर नीचे घूमता रहता है। चलो इसको किसी स्टॉक के चार्ट पर डेमो के रूप में समझ लेते हैं। यह HDFC बैंक का चार्ट है। यहाँ पर शेयर अप्रोक्सीमेट एक ही पॉइंट पर ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ अपना सपोर्ट बार बार बना रहा है। जब मिनिमम दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बन जाए तो
तो यहाँ पर क्लिक करके ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को फाइंड कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाकर आगे की पोजीशन बना सकते हैं। यह पहला रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बाद में सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर शेयर ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पर शेयर में और गिरावट आ सकती है। दोस्तों आई होप आप ट्रेंड लाइन से अच्छे से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करना सीख चुके हैं। अब आपको सारे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को भी अच्छे से सीखना होगा, तभी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर बन पाएंगे और तब आप शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर यह पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि शेयर अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। टेंशन मतलब हमने सारे इम्पोर्टेंट 20 कैंडलस्टिक पैटर्न और 20 चार्ट पैटर्न्स पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जरूर देखकर उन्हें अच्छे से सीख लेना। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, अब आप भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर बन चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।